Good morning, students. I welcome you in English grammar class. So today we will study future perfect tense. Future perfect tense means action that will happen before another event in the future. It is called future perfect tense. So let's see the example of future perfect tense. I will have played football by the time you arrive. Okay, so this is an example of future perfect tense. So with the help of the situation, we can understand future perfect tense. So first, I will give you situation. This is a girl and she is standing in a present time. Okay, and she is standing in a present time, but she is thinking about future. ओके एक गर्ल है जो प्रेजेंट में खड़ी हुई है बट वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही है. वो क्या सोच रही है? दैट आई विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो इवनिंग. इट मीन्स मैं अपना काम कर चुकी होंगी कल शाम तक. एक्चुअली शाम अभी आई नहीं है बट वो जो गर्ल है वो अपने प्रेजेंट टाइम में अभी वो सोच रही है कि कल शाम आई नहीं है लेकिन कल शाम तक मैं अपना काम पूरा कर चुकी होंगी. सो इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर एक्शन इन फ्यूचर इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके सो फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी यूज विल एंड शैल. मोस्टली इन स्पोकन इंग्लिश वी यूज विल विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे आई ही शी इट हो या किसी का नेम हो या प्लूरल सब्जेक्ट आई यू वी दे. इन सब के साथ में हम विल का यूज़ करेंगे क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हम सबके साथ विल का यूज़ करते हैं. ओके सो शैल का यूज़ मोस्टली बुक्स में आपने देखा होगा. आई और वी के साथ में शैल का यूज़ होता है. उनके कुछ अलग रूल्स होते हैं. आफ्टर सम टाइम आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट वेयर वी विल यूज़ शैल. ओके But in future perfect tense with singular subject and with plural subject we will use will. Okay, so let's see the example of future perfect tense. First example, he will have come back home by evening. Okay, by we use for in future perfect tense. By means tak. मीन्स शाम तक. ओके और बिफोर का यूज़ करेंगे हम पहले के लिए. अगर शाम तक वो काम हो चुका होगा वी विल यूज़ बाय और पहले के लिए बिफोर का यूज़ करेंगे. ओके सो फर्स्ट एग्जांपल इज़ ही विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग. वो कल शाम तक कम बैक यानी घर वापस आ चुका होगा कल शाम तक. कल शाम अभी आई नहीं है बट वो कल शाम तक वापस घर आ चुका होगा. नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल ही विल हैव गॉन फ्रॉम हेयर बाय नेक्स्ट मंथ. ओके ही विल हैव गॉन इट मीन्स वो गॉन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ गो. गो इज फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म इज वेन थर्ड फॉर्म इज गॉन. एंड इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी ऑलवेज यूज विल शैल एंड वर्ब थर्ड फॉर्म. ओके दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर वर्ब थर्ड फॉर्म. ओके सो माई सेंटेंस इज ही विल हैव गॉन फ्रॉम हेयर बाय नेक्स्ट मंथ. इट मीन्स ही विल हैव गॉन वो जा चुका होगा फ्रॉम हेयर यहाँ से कब तक? नेक्स्ट मंथ तक वो यहाँ से जा चुका होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई विल हैव परचेज दिस कार बिफोर मंडे. ओके सो आई विल हैव परचेज दिस कार. मैं ये कार खरीद चुकी होंगी कब तक? बिफोर मंडे. अब बिफोर वी आर यूजिंग बिफोर इट मीन्स मंडे से पहले. सो वी यूज बिफोर फॉर पहले और बाय का यूज़ करेंगे तक के लिए. ओके सो बिफोर का तो यूज़ करते हैं हम पहले. ओके और बाय का यूज़ करते हैं हम तक. ओके सो
The third sentence, third example is I will have purchased this car before Monday. मतलब मंडे से पहले मैं यह कार खरीद चुका होऊंगा. अभी खरीदी नहीं है, मतलब फ्यूचर प्लानिंग है, ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, ही विल हैव लेफ्ट द जॉब बाय टुमारो इवनिंग. ही विल हैव लेफ्ट, इट मीन्स वो अपनी जॉब छोड़ चुका होगा. कब तक? बाय टुमारो इवनिंग, यानी कि कल शाम तक. बाय इट मीन्स तक, कल शाम तक वो अपनी जॉब छोड़ चुका होगा. अभी छोड़ी नहीं है, छोड़ चुका होगा. ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इट मीन्स एक्शन दैट विल हैपन बिफोर अनदर इवेंट इन द फ्यूचर. ओके, सो यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फर्स्ट यूज एक्सप्रेस दैट एन एक्शन विल अकर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ इसलिए भी किया जाता है कि फ्यूचर में कोई दूसरी एक्शन होने से पहले एक एक्शन हो चुकी होगी. इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. एग्जांपल, बाय नेक्स्ट अप्रैल आई विल हैव गॉन टू क्लास 7. सेकंड यूज़, शो दैट एन एक्शन विल कंटिन्यू until another action in the future. Future perfect tense का use और किस लिए किया जाता है? Show that an action, ये show करने के लिए कि एक जो action है वो continue रहेगी जब तक कोई दूसरी action future में नहीं होगी. It means future में जब कोई दूसरी action नहीं होगी उससे पहले जो एक action है वो continue होगी, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ है. एग्जाम्पल, बाय द टाइम आई लीव आई विल हैव बीन इन लंदन फॉर 6 months. सो दीज आर यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. लेट्स सी द पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. ओके, सो सब्जेक्ट इज आई देन विल. अब नाउ यू विल आस्क मैम व्हाई यू आर राइटिंग विल हेयर. सो आई विल टेल यू. एक्चुअली हम पहले आई और वी के साथ शैल का यूज करते थे और आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है, बट नाउ डेज वी आर नॉट यूजिंग शैल विथ आई एंड वी with singular subject and with plural subject. With all we are using will. So why we are not using shall? तो इसके लिए एक अलग से मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो बताऊँगी जिसमें आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि आपको shall कहाँ यूज़ करना है. ओके, सो सब्जेक्ट इज आई देन विल देन हैव देन वर्ब थर्ड फॉर्म टेकन. सो टेकन इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ टेक. So take is the first form and second form of take took and third form taken. That's why I have written here taken then the exam. Okay, and now let's see the second structure of future perfect tense is negative structure. Okay, so first structure subject then will shall then have then not then verb third form. Why we are writing not here? Because it is negative sentence. Okay, so let's see the sentence example. Subject is I and then will then have and then not because it is a negative sentence. Okay, then verb third form and then the exam. Okay, so my sentence will be I will have not taken the exam. Okay, let's see the third structure, interrogative structure. Okay, first will, shall, then subject, then have, then verb third form, and end of the sentence we will write question mark. Okay, so let's see the example of interrogative sentence is will. Now you will get confused, ma'am, why you are writing will? Because this is a rule.
We have to write helping verb before subject to make interrogative sentence. That's why I'm writing here will before subject I. So will, then subject I, then have, then verb third form. Third form taken. Taken is the third form of take. Okay. Then the exam. Okay. So this is my interrogative sentence. Will I have taken the exam? So first positive sentence. I will have taken the exam. Main exam de chuki hongi. Second negative. Main exam nahi de chuki hongi. And interrogative. क्या मैं एग्जाम दे चुकी होंगी. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके एंड डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड यूजेज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.